टाइम इज़ मनी, जिसकी वजह से शायद मुंबई में सबको सिर्फ एक ही चीज़ से चिड़ या नफरत है, वो है ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक में जितना आप फंसते हो जितना इंसान का वक्त बर्बाद होता है शायद ही और किसी चीज़ में होता होगा। लड़कियों को तैयार होने में भी शायद उतना वक्त नहीं लगता होगा जितना कि बॉम्बे में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में लगता है। सो आई थिंक टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम इज़ टू बी वैल्यू टू बी इन द प्रेजेंट। हम आज में जिए, कल के लिए इतना इतने परेशान ना हो और अपने गए हुए गुजरे हुए कल पर इतना दुख ना हो या उस पर ज़्यादा हमें गर्व ना हो। आज में जिए, आज में जो हमारे पास आस इर्द गिर्द लोग हैं उनकी ज़िंदगी में खुशी फैलाएं। विक्रम पुराने दोस्त हैं, उनके कपड़ों से ज़्यादा वो एक खूबसूरत इंसान है और इस वजह से उनके कपड़ों में खूबसूरती झलकती है। मुझे लगता है ये अवार्ड उनको शायद बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही उम्दा डिज़ाइनर हैं, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने कई सारे हीरोइंस और हीरोज़ को बहुत ही माचो और कूल इमेजेस दी हैं स्क्रीन पे। सो आई थिंक इट्स वेल डिजर्व्ड एंड यू आर विशिंग ऑल द बेस्ट एंड मेनी मेनी मोर इंटरनेशनल अवार्ड्स। फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे लोग पैशनेट, आई थिंक जो सबसे टॉप लिस्ट पे वो सभी लोगों के अमित जी ही होंगे, बिकॉज ही समबडी हु एट हिज एज ऑल्सो वेक्स अप एट 5 or 6 इन द मॉर्निंग, गोज टू द जिम एंड रीड्स भगवद्गीता और द महाभारत, जो कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। आप और हम इस पार्टी से निकलेंगे तो घर जाके सीधा सोएंगे और 9-10 बजे के पहले उठने की कोई हमारी उम्मीद नहीं होगी। तो शायद वो एक हैं, एक वहीदा रहमान जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, जितने भी बड़े स्टार्स हैं हमसे सीनियर स्टार्स हैं, शाहरुख खान हैं, माधुरी दीक्षित हैं, ऐश्वर्या राय हैं, जिन किसी लोगों ने भी अपना नाम बनाया है वो इसी वजह से बनाया है क्योंकि उनके अंदर एक कुछ कर दिखाने का जोश है, अपने अंदर एक आत्मविश्वास है और सबसे ज़्यादा वो अपने काम को काम नहीं समझते, उसको एक पूजा और एक प्रेम, मंदिर के अंदर प्रेम जो भगवान से करते हैं वो समझ के वो सेट्स पे आते हैं, काम करते हैं। घड़ियों का काफ़ी शौक है, फ़िलहाल मेरे वार्डरोब में शायद 10 या 12 घड़ियाँ होंगी और बहुत सारी आनी बाकी हैं। गिफ्ट में है तो कहना मुश्किल है, कुछ 1 लाख करीब। मैं डिपेंड करता है, शूटिंग में ज़्यादा पंक्चुअल हूँ और कहीं पहुँचना हो तो शायद उतनी पंक्चुअल नहीं हूँ क्योंकि और कहीं पहुँचना होता है तो तैयार होने में ज़्यादा वक्त लगता है और शूटिंग में जब जाते हैं तो वो सेट आपका ऑलरेडी डिज़ाइन लुक है, एक ऑलरेडी कॉस्ट्यूम जो है वो रेडी है, आपने क्या पहना है, तो उसमें ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं लगता है। मेरे लिए हमेशा सबसे यादगार वही होगा जब मैं मिस वर्ल्ड जीती थी। विश्व सुंदरी के खिताब से ज़्यादा सुंदर कोई वक्त हो ही नहीं सकता आपके लिए किसी भी लड़की के लिए।